इस वक्त आप जुड़ चुके हैं बॉयज ऑफ एमपी से, मैं आपके साथ सिमरन। इस वक्त की अपडेट आपको बताया कि इस बार जो है हुसैन टिकरी शरीफ पर चेहल्लुम का आयोजन नहीं होगा। जी हां, कलेक्टर एसपी ने कमेटी के सदस्यों से इस बारे में चर्चा की है। आपको बता दें कि कोरोना जैसे जानलेवा घातक वायरस और तेजी से फैल रही है, अन्य बीमारियों के चलते एक बार फिर प्रशासन सभी त्योहारों पर रोक लगा दी है, जिसके चलते रतलाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर के कारण जिले के जावरा स्थित हुसैन टेकरी शरीफ पर इस वर्ष चेहल्लुम आयोजन नहीं होगा। इस सबका बड़ा अपडेट आप जान रहे हैं। वहाँ 18 सितंबर से 28 सितंबर तक जो है श्रद्धालुओं का आना प्रतिबंध रहेगा। बाहर के श्रद्धालुओं के अलावा जावरा शहर के श्रद्धालुओं और नागरिक भी नहीं आ सकेंगे। जिला कोविड प्रोटोकॉल अनुसार वहाँ मात्र 50 व्यक्ति ही रह सकेंगे। इस संबंध में कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक सोमवार को जावरा पहुंचे तथा उन्होंने हुसैन टेकरी कमेटी सदस्यों से चर्चा की। जी हाँ, वहीं पर उन्होंने आमजनों से भी अपील की है कि कोविड 19 प्रोटोकॉल का पालन करें और सभी त्योहार अपने अपने घरों में मनाएं। वहीं भीड़भाड़ में जाने से बचे, मुंह पर मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी बनाए। वहीं कलेक्टर कुमार ने आसपास के जिलों तथा सीमावर्ती राज्यों के जिला कलेक्टर से भी अनुरोध किया है कि चेहल्लुम स्थगित होने की जानकारी का प्रचार प्रसार करें। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपने जाना और ये रिपोर्ट हमारे चीफ रिपोर्टर नीमच से मुश्ताक अली शाह में दे रहे थे। जैसे कि आपने जाना, इस वक्त हर छोटी से बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।